हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड नॉलेज एंड फूड। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ शाही पनीर की रेसिपी। तो ये रेसिपी लाने का मेरा मेन मोटिव है कि ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ कम समय और कम सामान के साथ में। तो चलिए मैं आपको बनाने के तरीका बताती हूँ। तो मैंने रख दी है ये कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है कच्ची खानी का सरसों का तेल। आप जो भी पसंद करते हो तेल खाना, आप वो तेल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने डाल लिया है सरसों का तेल और इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी एक सूखी लाल मिर्च बीच में से कट करके, और इसमें जाएगा थोड़ा सा शाही जीरा, या आपके पास नॉर्मल जीरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और 2 से 3 लौंग, और अगर आपके पास हरी इलायची या और कोई खड़ा मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास यही 3 चीज़ें हैं तो मैं इसी से ही शाही पनीर बनाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा मेन मोटिव यही है, कम समय और कम सामान के साथ शाही पनीर रेडी करना। तो ये मैंने डाल दिया है लौंग और इसे थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। और इसके बाद 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है और अब जाएगा वो कढ़ाई के अंदर। तो ये सारा प्याज का पेस्ट मैं तेल में डाल दूँगी और उसे कर लूँगी मिक्स, और तब तक उसको मैं चलाऊँगी तब तक ये अच्छे से ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये कढ़ाई के जो तला होता है उसमें लगे ना या जले ना, चुपके ना। तो इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये हो गया है गोल्डन ब्राउन और इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी मैं चलाऊँगी तब तक जब तक ये भुन ना जाए। तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, ये देखिए बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये लगभग थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है। तो इसी के साथ मैं डालूँगी थोड़े से मसाले। ये गया हमारा धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें मैं डालूँगी आधे चम्मच लाल मिर्च और हल्दी आधे चम्मच। आप मसाले अपना अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आप खाना पसंद करते हो। हल्दी जाएगी आधे चम्मच, नमक और गरम मसाला डालूँगी MDH का, और जाएगा इसमें शाही पनीर का मसाला। तो ये है MDH का गरम मसाला। गैस मैंने लो कर दिया है ताकि मसाला जले ना, और ये डाल रही हूँ मैं MDH का गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इसको कर लूँगी अब मैं थोड़ा मिक्स। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसको थोड़ा और भूनने देंगे और थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें जाएगा शाही पनीर मसाला। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, आपको जो खाना पसंद हो मसालों में आप उस ब्रांड का ले सकते हो। देखिए कितना अच्छे से भुन गया है ये। तो हमारा ये मसाला अब अच्छे से भुन चुका है और इसमें मैंने जैसे बताया था शाही पनीर का मसाला जाएगा। तो मैं इसमें डालूँगी शाही पनीर का मसाला 1 से 2 चम्मच। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपके पास इस बीच दही है तो आप दही भी डाल सकते हो और दही डाल के उसको मिक्स कर सकते हो। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप दही डालो तो उसमें थोड़ा सा जो धनिया पाउडर होता है उसे दही में थोड़ा सा मिक्स करके फिर डालना। इससे क्या होता है कि दही इससे फटती नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कम समय में और कम सामान में मुझे शाही पनीर रेडी करना है, तो मैं दही का ना यूज़ करके कि मैं उन चीज़ों से ये शाही पनीर बना रही हूँ जो ऑलमोस्ट घरों में रहता ही रहता है। हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो दही हमें मंगाना पड़ता है, कभी कभी होती भी है और कभी कभी ऐसा दिन होता है कि नहीं भी होती। तो मैं दही ना यूज़ करके इसमें डालूँगी दूध। तो पहले मसाला अच्छे से पका लूँगी। और हाँ, एक चीज़ और है, दूध से पहले आप अगर काजू
है आपके पास तो आप काजू का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक और क्रीमी बनती है। बट आपके पास वो भी नहीं है तो आप ये दोनों चीज़ों को स्किप करके, दही और काजू को स्किप करके, आप ओनली दूध को डाल सकते हो। और दूध आप फुल क्रीम लेना, इससे क्या होगा फुल क्रीम दूध से आपकी वो मलाई का काम भी करेगा, क्रीम का काम भी करेगा, और आपको जो काजू से एक टेस्ट और जो क्रीमनेस मिलेगी वो भी आपको दूध से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फुल क्रीम एक ग्लास दूध डालना और इसको अच्छे से पकाना, और तब तक पकाना तब जब तक कि ये अपना तेल ना छोड़ दे। तो इससे क्या होगा हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी क्रीमी टाइप की बनेगी और उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में भी, खाने में भी और वैसे भी। ठीक है, तो जैसे कि आपको शायद दिख रहा होगा कि हमारा जो ये थोड़ी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पकना शुरू हो गई है और बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं और इसने अपना तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस बीच हम डालेंगे पनीर। आप अपने हिसाब से पनीर डाल सकते हो, आपको जैसे भी स्लाइस करने हैं आप कर सकते हो। तो मैंने डाल दिया एक कटोरी पनीर, इसको मैं करूँगी मिक्स, और ऐसे मिक्स करना है जिससे कि पनीर के टुकड़े टूटे ना। तो इसको मैं कर लूँगी अब मिक्स अच्छे से और धीमे आंच पे थोड़े थोड़े से पकाऊँगी, और बीच बीच में से पकाते रहेंगे और ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि पनीर के टूटने का डर रहता है। तो इसे थोड़ा पकाएंगे, हल्का हल्का बीच में चला सकते हो पर ज़्यादा नहीं चलाना, कई बार होता है कि पनीर टूटने का डर रहता है। तो इसको अब हम रख देंगे, थोड़ा 2 मिनट पकाएंगे। अब इसने अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया, इसमें आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो थोड़ा इसको थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि हम क्या होता है दही डालते हैं, दही डालने के बाद हम अक्सर दूध भी डाल देते हैं, पानी नहीं डालते हम। तो हमने क्या किया है, सिर्फ दूध दूध डाला है, तो उसकी ग्रेवी थोड़ी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी को ऐड करने के बाद 1 कटोरी पानी डाला है मैंने, इसको हम 5 से 8 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे और फिर देखते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी बनती है। तो मैंने ये ढक्कन लगा दिया है और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 से 8 मिनट हो गई है और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है इसका, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और सारा तेल सब्जी ने एक साइड कर दिया है। आप चाहें तो इसको एक चमचे से 1 कटोरी में साइड निकाल के भी रख सकते हो। बाकी इसे थोड़ा और अगर आप पकाना चाहते हो तो थोड़ा और पका सकते हो, मेरे हिसाब से इसकी अच्छी ग्रेवी बनी है। चलिए सर्व करते हैं। तो अब करते हैं सर्व। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं ये कर रही हूँ सर्व, और आप इसको रुमाली रोटी या पूड़ी या फिर राइस के साथ ले सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना टेस्टी लग रहा है, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन का जो बटन है प्लीज़ उसे भी क्लिक ज़रूर करना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप आनंद लीजिए शाही पनीर का।